bmo.gov.pk की वेबसाइट है, ये वजीर आजम की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके बैनर पे देखेंगे लेफ्ट साइड पे जो कर्सर है ये पीएम कोविड-19 पैंडेमिक रिलीफ फंड है जो नेशनल बैंक ने यहाँ डिटेल्स दी हुई है कि आप किस तरह से पैसे डोनेट करें और तमाम उन बैंकों की तफसीलात यहाँ मौजूद हैं जहाँ भी डाल सकती हैं बशमूल उन बैंकों के जो बैरून मुल्क हैं। सबसे राइट साइड पर मैं अब आ जाती हूँ जो एहसास लेबर का जो आज पोर्टल खुल रहा है और अगर आप इसको क्लिक करें खोलें तो आपके सामने ये दरख्वास्त आ जाएगी वजीर आजम की कोविड-19 रिलीफ फंड इमदाद के लिए दरख्वास्त। सबसे पहले वो आपसे शिनाख्त नंबर मांगेंगे, फिर शिनाख्ती कार्ड के नंबर बाद आपका मोबाइल नंबर और मोबाइल ऑपरेटर मांगेंगे, फिर तस्वीर में दिया गया कोड जो है आपको इसलिए डालना पड़ेगा ये कैप्चा कोड है ताकि वायरस की मदद वायरस से हैकिंग ना हो जाए इस वेबसाइट की, ये प्रोटेक्टिव फीचर होता है इस किस्म के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में। जब आप तस्दीक कर देंगे और कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि ये कोई वायरस नहीं मगर एक इंसान है जो दरख्वास्त दे रहा है तो एक और फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जिसमें शिनाख्ती कार्ड नंबर मोबाइल नंबर जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा और क्योंकि ये फॉर्म नादरा के डेटाबेस से लिंक है तो उसी शिनाख्ती कार्ड से नाम जो है वो ऑटोमेटिकली वो पुल कर लेगा ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस हो कि ये शिनाख्ती कार्ड नंबर ठीक है। जो दूसरा सवाल है आपको उजरत योमिया मिलती है थी क्या महाना, ड्रॉप मेन्यू में लिखा है योमिया क्या महाना, अब सैंपल के लिए हम महाना सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो दूसरा वेरिएबल है वो पेशा है और फिर आपके आगे एक ड्रॉप मेन्यू आ जाएगा जिसपे लिखा होगा उस्ताद इलेक्ट्रिशियन बावर्ची पढ़ाई वगैरह वगैरह, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें ताकि फॉर्म आगे चले। इसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपकी अंदाजन महाना आमदन क्या है और इसमें भी स्लैब दिए गए हैं, कोई भी स्लैब सिलेक्ट कर दें। उसके बाद क्या आप किसी के लिए काम करते हैं या आप खुद बरसरे रोजगार हैं, इसमें फिर एक ड्रॉप मेन्यू आएगा। अगर आप खुद अपना रोजगार, अगर आप छापरी वाले हैं या आपका खुद कोई काम है या अपनी दुकान है तो आप वो सिलेक्ट कर लें वरना दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर दें। नेक्स्ट, फिर फॉर्म आपसे पूछेगा कि आपके मालिक ठेकेदार आजर कंपनी का नाम क्या था, वो नाम आ जाएगा। उसके बाद वो आपके मालिक ठेकेदार आजर कंपनी का मोबाइल फोन पूछेगा, वो आप डाल दीजिए। फिर आपका जिला और तहसील जो है उसका एक ड्रॉप मेन्यू होगा और आप आखिर में उस वो सिलेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल आखिर में एक तस्दीक नामा है, प्लीज नीचे स्क्रॉल कर दीजिए जी। एक और चीज जो वो आपसे पूछेगा वो ये कि आपकी मुलाजमत किस तारीख को खत्म हुई थी। आखिर में एक तस्दीक नामा है जिसमें ये आपको हल्फन ये बताना होगा कि मैं तस्दीक करता करती हूँ कि मेरा ताल्लुक एक गरीब खानदान से है और मेरी मुलाजमत मजदूरी कोरोना वबा की बायस मुतासर हुई है मेरे खान, और ये आपसे ये भी तस्दीक हम कराएंगे कि मेरे खानदान के किसी फर्द ने एहसास इमरजेंसी कैश के तहत 12,000 रुपए अब तक हासिल नहीं किए और हम इसको डेटा की तरह जांच पड़ताल से भी देखेंगे ताकि कोई डुप्लीकेशन ना हो। इसके बाद जो फाइल है वो जमा हो जाएगी और जब ये फाइलें ये पोर्टल कितने अरसे तक खुला रहेगा उसका तयन बाद में होगा, तकरीबन ये 2-3 हफ्ते तक खुला रहेगा। जब तमाम डेटा आ जाएगा तो उसकी जांच पड़ताल फिर शुरू होगी और वो जांच पड़ताल ऐसे ही होगी जैसे कि एहसास कैश में अभी तक। अगर आप प्लीज दोबारा चले जाएं मेन पेज पे pmo.gov पे, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि pmo पे बीच में एक आइकन है
जिसमें एहसास इमरजेंसी रिलीफ फंड डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी शफाफियत के साथ बयान किया गया है कि ये फंड्स किस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये काइंडली इस पर क्लिक कर लें।